है, उनका ही मैसेज है, उनका ही मैसेज है, वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, पुलिस के अनुसार जैसा पुलिस कह रही वैसा कर रहे हैं, सामने आने की बात, मैं आया हूं, उनका मैसेज दिया है, उन्होंने अपना लिखित संदेश दिया है, मृतकों के प्रति संवेदना, बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो भी है बिल्कुल सदैव, वो आज नहीं कल नहीं परसों नहीं, वो कभी भेष नहीं बदलेंगे, कहीं भागेंगे नहीं, कभी आपको बॉर्डर पर नहीं मिलेंगे, इसी देश में, इसी उत्तर प्रदेश में हैं, और पूरी जांच में जब भी कभी बुलाया जाएगा भाग लेंगे, हमें SIT की जांच एजेंसी पर भरोसा है, लेकिन हमें यह भी मानना पड़ेगा क्योंकि सनातन की बात है, सनातन पद्धति से हम लोग अपना जीवन चलाते हैं, तो हमने पढ़ा है हानि लाभ जीवन मरण यश अपश विधिहात, ये है, और लेकिन इसके साथ ये भी है कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्काल पर रखिए चाहिए, जो घटना हुई नारायण साकार हरि के यहाँ कोई चरणों की नहीं है, आपने भी देखा, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप लोग अलीगढ़ में, क्या कभी नारायण साकार हरि के पैर छूते हुए की फोटो कभी देखे किसी ने? नहीं देखे है ही नहीं, हो ही नहीं सकते, वहां ना तो वहां डोनेशन है, ना तो वहां डोनेशन है, ना वहां चंदा है, ना वहां रसीद है, ना वहां किसी के तरह सोने चांदी चढ़ाने का है, कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ प्रवचन करते हैं और उसी आधार पर अपना जीवन चलाते हैं, अपने BRS की सैलरी से जो मिलती है, पेंशन मिलती है, उसी से अपना जीवन यापन चलाते, वो तो किसी का भोजन भी नहीं करते, इतना बड़ा एम्पायर सिपाही ने खड़ा कर दिया, इतना बड़ा आश्रम खड़ा कर दिया, आश्रम नहीं उनका है, कोई उनका आश्रम नहीं, कोई बनाता है, कोई खड़ा करता है, उन्हीं नहीं उनका कोई, मैं आपके सामने उनका एडवोकेट होने के नाते, 26 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में वकालत होने के नाते, आप वरिष्ठ पत्रकार लोग हैं, आप सबके सामने की जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि नारायण साकार हरि का इस देश में, इस दुनिया में कोई आश्रम नहीं है। सामने आए हैं, सामने उन्होंने मैसेज दिया है, जैसे वो क्यों नहीं आ रहे, वो क्या यहाँ आए, वो क्या करें, वो कहाँ जाएं, तो जहाँ बताया जाता है भक्तों के पास जाएंगे, भक्त उनके पास जाएंगे, और उसके लिए शोक जो सभा है उसका भी आयोजन किया जाएगा, और उसमें आत्माओं की शांति के लिए कार्य किया, जहाँ हम कानून में विश्वास करते हैं, नारायण साकार हरि लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, कानून में भरोसा किया है, कानून में विश्वास किया है, जहाँ जब कहीं जिसकी भी जरूरत पड़ती है, हमारे किसी अनुयायी की, हमारे किसी कमेटी की, हम लोग कानून में विश्वास करते हैं, पूरी तरह से भाग लेंगे। सर सेवादारों को तत्काल वहां से सबूत हटा दिया, ऐसी भी जानकारी मिली? बिल्कुल नहीं, सेवादार कौन है, मरने वाले कौन हैं, कहीं बाहर का नहीं, धक्के किसी ने धक्के नहीं मारे, आज तक कभी धक्के नहीं मारे, एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जिन्होंने ऐसी घटना को अंजाम दिया, कौन अपनी बहनों को, कौन अपनी माताओं को, कौन अपनी पत्नी को, कौन अपने बच्चों को धक्का दे देगा, सेवादार भी उनके हैं, मरने वाले भी उनके हैं, लेकिन मारने वाले कौन थे ये पता करना है। जब से गाड़ी से जब वो जाते हैं वापसी होती है, उनके ब्लैक कमांडो है वो उनको कवर करते हैं, उसके बाद जो धक्का मुक्की होती है आपसे छुपा हुआ नहीं है? नहीं, ये कोई कमांडो नहीं है, कोई उनकी सुरक्षा की बात नहीं, वो अलग रास्ता होता है, उससे आते हैं, पीछे से मंच पर चढ़ते हैं और वहां से उतरकर अपना उद्बोधन करने के बाद चले जाते हैं वहां से, ये तो आपको पता है ना, पैरों के छूने की कोई प्रचलन वहां नहीं है, कोई प्रसाद नहीं है, कोई चढ़ावा नहीं है, कोई डोनेशन नहीं है। फरवरी से लेकर जून तक आदर्श आचार संहिता लगी थी, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लगा था, उसकी वजह से अवश्य हो सकता है लोगों की, और लोगों की एक भावना है, अब जब सदन में 4 दिन पहले कहा गया हिंदू हिंसक होता है, हिंसा करता है, जब चुनाव में कहा गया सनातन धर्म डेंगू मलेरिया HIV एड्स है, तो लोग कहां जाएंगे, सनातन धर्म को मानने वाले अपने धर्म गुरु के पास जाएंगे, भक्ति आस्था श्रद्धा के साथ जाएंगे कि हिंसक नहीं होता है, सनातन डेंगू मलेरिया HIV नहीं है, एड्स नहीं है, बोलेंगे जाके, इसलिए हो सकता है भीड़ अधिक हो गई हो। जो अधिकारी वहां कह रहा था जिनकी लापरवाही रही होगी, क्या निष्पक्ष वहां जांच पूरी चली हो पाएगी? देखिए, निष्पक्ष जांच हमें उत्तर प्रदेश सरकार पर, माननीय योगी जी पर और देश के माननीय गृह मंत्री जी पर पूरा भरोसा है, हमें अपनी देश की मीडिया पर भी भरोसा है, जिन्होंने इंजर्ड कार दुकानों का हाल ऊपर तक पहुंचाया, जिसकी वजह से सब संभव हो सका, हम आपसे भी अनुरोध करते हैं आप भी हमें सहयोग करते रहें और इस तरह से हेल्प करें। बयान उन्हीं का, उनका ही बयान आया, उनके हस्ताक्षर से बयान आया, आपने देखा होगा, आप मेरे पेज पे देख लीजिए, उसमें आया है, उसमें स्टेटमेंट है कि शोक संतप्त परिवार के, नहीं जब जहां जैसी जरूरत होगी वो सामने होगी।